चले रुक करते हैं दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर जो सामने आ रही है। तो एबीपी बिल्डर टेक के निदेशक समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यह मामला दर्ज किया है। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं, पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यह पूरा मामला दर्ज किया है। एबीपी बिल्ड टेक के निदेशक विनोद कुमार कानपुर देहात से विधायक भी हैं। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं, तो मामला दर्ज हो चुका है। एबीपी बिल्ड टेक के निदेशक विनोद कुमार कानपुर देहात से विधायक भी हैं और 5 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यह मामला दर्ज किया है। एबीपी बिल्ड टेक के निदेशक में तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जतिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जतिन, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जतिन, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, एबीपी बिल्डटेक के निदेशक समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यह मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि फिलहाल ये मामला दर्ज हो चुका है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जतिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ये एफआईआर दर्ज की है। एबीपी बिल्डटेक नाम से जो कंपनी है उसके निर्देशक समेत 5 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर की गई है। दरअसल जो शिकायतकर्ता थी उनका ये कहना था कि 2014 में नोएडा के सेक्टर 77 के अंदर एबीपी बिल्डटेक का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा था, जिसमें 2014 तक पोजीशन देने की बात की गई थी। उसके एवज में 95% जो पेमेंट थी फ्लैट की, वो भी जो कंपनी थी उन्होंने ले ली, लेकिन अभी तक कोई पोजीशन नहीं दिया गया है। यहाँ तक के आरोप है कि सिर्फ 50% काम ही उस जो प्रोजेक्ट है उस पर किया गया। इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं कि जो निर्देशक थे उन्होंने यूपी के अलग अलग जगहों पर जो निवेशकों का पैसा था उसको पैसे का इस्तेमाल करके कई प्रॉपर्टी खरीदी है। अब ईओडब्ल्यू इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। 5 लोगों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से एक जो एबीपी इंफ्रा जो बिल्डटेक कंपनी है उनके जो एक निर्देशक हैं वो कानपुर देहात से विधायक भी हैं। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अभी जांच की जा रही है, और जो आरोप लग रहे हैं उसको अब दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है वो वेरीफाई करने में जुटी हुई है। जी जी जतिन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।